सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी बच्चों को नमस्कार, है ना। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हो? कोरोना को तो हमने भगा दिया, लेकिन हमने आपके लिए इस कोरोना महामारी के अंतर्गत, जब आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी, आप स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तो हमने क्या किया, सरकार की महती योजना पढ़ई तुंहर दुआर के द्वारा, राजश्री ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा आपको घर बैठे ही पढ़ाई की सुविधा का लाभ दिया, जिससे आपकी पढ़ाई जो है निरंतर और सुचारू रूप से चलते रहे और आप पीछे ना हो और अपने अध्ययन को व्यवस्थित रूप से पढ़ाने में, पढ़ने में उसको जारी रखें। ठीक है बच्चों? तो फिर से मैं एक बार बोलूंगी, सर्वभ्यो नमो नमः। सभी बच्चों का मेरी कक्षा में स्वागत है। तो इसे हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? सर्वेषां संस्कृतम् कक्षायां स्वागतम् अस्ति। आप सभी का हमारे संस्कृत कक्षा में स्वागत है। और आज हम कौन सी पाठ पढ़ेंगे, कौन सा पाठ पढ़ेंगे? कक्षा 7वीं का पाठ 7। कक्षा 7वीं का पाठ 7, उसे हम क्या कहेंगे संस्कृत में? सप्तम पाठ। क्या कहते हैं 7 को संस्कृत में? सप्तम पाठ। कौन सा है ये? गीतामृतम। गीतामृतम कौन सा पाठ है ये? गीतामृतम। बच्चों, जब भी आप पाठ को पढ़ते हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में उस प्रश्न का उत्तर देते हो, तो आपके दिमाग में रहता रहता है कि हाँ, हमने इस पाठ को पढ़ा था और ये इस पाठ से ही हमको प्रश्न दिया गया है ना। तो गीतामृतम, गीतामृतम मतलब गीता के अमृत विचार, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है और हमें उसे क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। भगवद गीता, आपने सभी सभी जानते होंगे भगवद गीता के बारे में, तो उन्हीं में जो विचार दिए गए हैं, जो अमृत विचार दिए गए हैं, उसी के बारे में आज हम इस पाठ में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो आप अपनी बुक को रख लीजिए अपने सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सभी बच्चों ने बुक को रख लिया? चलिए अब स्टार्ट करते, प्रारंभ करते हैं। प्रथमा द्वितीया प्रारंभ। तो पहला है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णनयानि संयाति नवानि देही। यदि हम इसको थोड़ा लय रूप में गाएं तो कैसे गाएंगे? वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। कोई बच्चा मेरे साथ बोलेगा जो जुड़ा है? वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णयानि संयाति नवानि देही। तो जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं, तो श्लोक को हमको कैसे पढ़ना चाहिए? लय में। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो भाषा है बहुत आदरणीय भाषा है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है ना। तो पहले श्लोक का अर्थ हम बच्चे, चलो बच्चों आज समझते हैं। तो पहला श्लोक क्या है? वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। यथा मतलब आप शब्दार्थ भी लिखते जाएंगे, ठीक है। यथा मतलब जैसे, वासांसी मतलब वर्ण, वस्त्र, वस्त्र कपड़े। वासांसी मतलब वस्त्र कपड़े। जीर्णानि मतलब पुराने, है ना। नवानि गृह्णाति नरो पराणि। नरो मतलब नर, मतलब मनुष्य। तथा मतलब जैसे। विहाय मतलब त्यागता है ना, किसको? पुरानी चीजों को, पुराने वस्त्रों को, है ना। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे जो वस्त्र रहते हैं, जो कपड़े रहते हैं, हम उनको, पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं और क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। हम क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है कौन? मनुष्य, हम मनुष्य, है ना। उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, वो क्या करती है, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक शरीर को त्याग कर, पुराने शरीर को त्याग कर, देही मतलब आत्मा। देखिए, मैंने यहाँ पे कितने सारे आपको शब्दों के अर्थ बताए हैं। वासांसी वस्त्र कपड़े, जीर्णानि
क्या होगा? पुराने, है ना। यथा जैसे, विहाय त्यागना, देही आत्मा, नर मनुष्य। जब आप इतने सारे शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे तो अपने आप ही आप श्लोक का अर्थ भी अनुवाद कर लेंगे। तो समझ में आया आपको? वसंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अनानि संयाति नवानि देहि, है ना। तो हम जब पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है जो मनुष्य, उसी प्रकार आत्मा भी क्या करती है? पुराने शरीर को त्याग कर नए आत्मा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा श्लोक है, द्वितीय श्लोक है, क्या है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अब हम इसको लय से कैसे पढ़ेंगे? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयान्ति आपो न शोषयति मारुतः। मतलब इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जिस प्रकार है ना, आत्मा को क्या नहीं कर सकते? छिदन्ति मतलब छेदना, कौन? शस्त्र, शस्त्राणि मतलब शस्त्र, शस्त्र क्या कर सकते हैं? उसे छेद नहीं सकते, है ना। और जिस प्रकार पावक मतलब अग्नि, अग्नि क्या कर सकती? दहती मतलब जला सकती है। तो जिस प्रकार आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते, अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदयन्ति आपो मतलब जल, है ना, जल क्या कर सकता है? गला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, जल जो है इसको जला नहीं सकता। उसी प्रकार न शोषयति मारुतः, मारुतः मतलब हवा, पवन, शोषयति मतलब सुखाना, तो उसी प्रकार पवन भी उसे क्या कर सकती है? सुखा नहीं सकती। न लिखा मतलब क्या होगा? न होगा, सारी जगह न है मतलब न होगा, है ना। तो जिस प्रकार ऐसे शस्त्र जो है छेद नहीं सकते, पावका अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, और ना शोषयति मारुतः मतलब हवा उसे बुझा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किसको? आत्मा को। अब हम आएंगे तीसरे श्लोक, तृतीय श्लोक का जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जनमृतस्य तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं सोची तु महर्षि, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। आप मिडिल स्कूल में आ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको भी समझना होगा। जातस्य मतलब क्या हुआ? जातस्य मतलब जन्मे हुए को, मृतस्य मतलब क्या हुआ? मृत व्यक्ति को, है ना। तो जिस प्रकार जिसका जन्म होता है, ध्रुवो मतलब निश्चित ही, है ना। ही मतलब क्योंकि जन्म लिए हुए व्यक्तियों का जो है मृत्यु क्या है? निश्चित है। उसी प्रकार मृत्यु लिए हुए व्यक्ति का भी जन्म निश्चित है। मतलब जन्म और मृत्यु इस जीवन की सच्चाई है कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। जातस्य मतलब जन्मे हुए को, ही मतलब बताइए क्योंकि, ध्रुव मतलब निश्चित ही, च मतलब और, है ना। अब हम आगे देखेंगे। जैसे हमने पहली लाइन का अर्थ समझा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यश्च, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। तो अब हम ये दोनों चीजें हैं तो तस्मात, इसके कारण अपरिहार्य मतलब बिना कारण के, हम इसके बारे में न त्वम सोचितु महर्षि, इसके बारे में शोक के योग्य नहीं है। इन बिना कारण के चीजों को हम शोक करके क्यों उसके बारे में सोचें, क्यों उसके बारे में हम अपना ध्यान लगाएं? क्यों? क्योंकि इस जीवन में यदि जो जन्म लेगा, जातस्य जो जन्म लेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, और ये मृत्यु और जन्म का जो श्रृंखला है ये चलते ही रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मैं आपसे फिर से शब्दार्थ पूछूंगी। जैसे पहले का शब्दार्थ था वासांसी, वासांसी का क्या अर्थ हुआ? वासांसी मतलब वास्त्र, हाँ, वासांसी मतलब
वस्त्र, कपड़े। बहुत सुंदर। जीर्णानी, जीर्णानी पुराने जी, सड़े गले। हाँ है ना, जीर्णानी पुराने। यथा, यथा यथा मतलब यथा तथा, बताइए। यथा यथा मतलब जैसे, यथा जैसे। विहाय, विहाय मतलब, विहाय मतलब। आप नोट करते जाइए तो आपके लिए ना, परीक्षा के लिए या कभी भी आप इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, है ना। विहाय मतलब त्यागना, विहाय मतलब त्यागना, ठीक है। उसी प्रकार छिदंती का क्या मतलब होता है? छेद करना, ठीक है। शस्त्राणी मतलब शस्त्र। दहती मतलब, दहती मतलब जलाना। पावकह मतलब, पावकह का अर्थ क्या हुआ? अग्नि, अग्नि। बहुत सही है ना। मारुता का क्या अर्थ हुआ? मारुता, मारुता हवा। मारुता का क्या अर्थ हुआ? हवा, वायु। सोचती मतलब सुखाना, बुझाना, है ना। जातस्य के क्या मतलब हुआ? जातस्य, जातस्य क्या बताइए? अभी मैंने बताया था ना, जन्म लिए हुए। मृत्यु और मृतस्य का, मृतस्य का, हाँ मृत्यु, जो जिनकी मृत्यु के योग्य है ना, जो मृत्यु लिए हुए हैं, जो जातक मृत्यु लिए हैं, जो मृत्यु को धारण किए हुए हैं, जो जातक हैं जन्म लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम शोक क्यों मनाएं? क्योंकि ये तो अपरिहार्य है, ये तो होना ही है ना। तो जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में ये श्लोक अधिकतर वहां पे सुनाया जाता है, जब आपका सीरियल चलता है। क्या सुनाया जाता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा, ते संगोस्तव कर्मणि। सुना है ना आपने, है ना। तो इसमें क्या बताया गया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, ते मतलब, ते मतलब तुम्हारा, ते ते मतलब तुम्हारा, माँ मतलब। देखिए जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हम उनको अर्थ के द्वारा भी समझेंगे, है ना। कदाचन मतलब, कदाचन मतलब कभी भी, कदाचन मतलब कभी भी। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हमारा किसमें अधिकार है? किसमें अधिकार है? हमारा फल, फल में अधिकार है कि कर्म करने में अधिकार है? हमको कर्म करना चाहिए कि फल की चिंता करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? करना चाहिए कर्म करना कर्म। चाहिए। बहुत सही। हाँ पहले हमें क्या करना चाहिए? जब हम कोई कर्म करेंगे तभी तो फल की चिंता कर पाएंगे, और हमको अपना केवल कर्म करना चाहिए, है ना। तो कर्म में क्या है? हमारे अधिकार है, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, तुम्हारा अधिकार है। तो कर्मण्ये अधिकारस्ते, आपका किसमें है? तुम्हारा किसमें है? कर्म में ही अधिकार है। और फल की चिंता कभी नहीं करो, फल की चिंता कभी नहीं करो, अपना कर्म करते जाओ, है ना। अपना, क्योंकि तुम्हारा कर्म में क्या है? अधिकार है। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि, है ना। क्योंकि जो तुम फल करोगे, जो तुम कर्म करोगे, है ना, उसी में तुम्हारा क्या है? अधिकार है, तुम उसके योग्य हो, है ना। तो ते संगोस्तव कर्मणि, तो उसके बारे में फिर हम क्या करें? उसको अनुचित माने। किसको? फल को। और हम सदा क्या कर पाए? कर्म को ही करते जाएं, है ना। अब देखिए आगे पांचवा, पंचम। पंचम क्या है? पंचम बताइए क्या है? कोई सुनाएगा मुझे थोड़ा सा बोल के? कोई बच्चा? हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम था आपका बेटा? क्या नाम था? मैम योगेंद्र नरवरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम एक बार और साथ में पढ़ेंगे, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य, पढ़िए आप लोग मेरे साथ, मेरे साथ गुनगुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ना तो देखिए श्लोक हम इसी प्रकार लय से गाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है हमको, है ना। और यदि हम ऐसे गाते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अच्छा लगता क्या? अच्छा लगता क्या? नहीं अच्छा लगता। हाँ तो श्लोक को हमको क्या करना चाहिए, हमेशा लय से गाना चाहिए, सुर से गाना चाहिए, है ना। तो यदा यदा ही धर्मस्य, चलिए एक बार और, आप तो महाभारत में भी सुनो, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैपिंग आपके लिए, तालियां, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ बहुत सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप मेरी क्लास में इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। चलिए अब हम इसको बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा मतलब, अब आप बताइए, यदा यदा मतलब जब जब, हाँ यदा यदा मतलब जब जब, किसकी किसकी हानि होगी, किसकी हानि होगी, ग्लानि मतलब हानि, हाँ जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी। यदा यदा मतलब जब जब, है ना, किसकी, धर्म की। ग्लानि मतलब हानि, किससे बोल रहे हैं ये, किससे बोल, किससे बोला जा रहा है ये। भारत मतलब अर्जुन, आपने भगवत गीता में देखा होगा ना, गीता में, कि जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को बहुत सारी चीजें बताते हैं युद्ध के समय, है ना। तो भारत मतलब क्या है, सुना है ना आपने, है ना। हाँ तो भारत मतलब क्या है, अर्जुन। तो हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की क्या होगी, हानि होगी। हाँ ग्लानि मतलब हानि, भवति मतलब होना, तो जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं क्या करूंगा, और अधर्म का क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा, है ना, अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी। तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, मैं क्या करूंगा, सृजाम्यहम् मतलब अपना रूप धारण करूंगा, किस किस समय, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का, अधर्म का क्या होगा, उन्नति होगी। तब तब मैं उस समय धर्म की संस्थापना के लिए, अब भाई हानि हो रही है तो भगवान को आना पड़ेगा, है ना, तब तब मैं क्या करूंगा, धर्म की संस्थापना के लिए मैं क्या करूंगा, साकार रूप में अपना आकार को ग्रहण करूंगा, तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना, धारण करूंगा। कब, कब बताइए, कब, कब भगवान अपना साकार रूप धारण करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, धर्म की हानि होगी तब। हाँ जब जब धर्म की हानि होगी, बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए, बहुत ज्यादा होशियार हो गए, अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं कि आप एग्जाम बढ़िया से क्लियर कर लोगे, है ना, कर लोगे, मेरे को पक्का विश्वास है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम जाएंगे सिस्टम, कौन सा है बताइए सिस्टम, जल्दी बोलिए, अपने को क्वेश्चन आंसर भी करना है ना आगे, फिर समझ के जल्दी बताइए, कौन बच्चा बोलेगा, कौन बच्चा बोलेगा, छठवा, छठवा वाला बोलिए, परित्रणा, हाँ साधु नाम विनाशाय कुताम धर्म नाशाय। इसको हम कैसे बोलेंगे, परित्राणाय साधु नाम, बोलिए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय,
धर्म संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो देखिए ये भी जो है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको लैसे क्लास में भी अपना गाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, घर में भी, घर क्लास सभी जगह है ना, श्लोक को लैसे गाना है रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो परित्राणाय साधु नाम, परित्राणाय साधु नाम मतलब, साधु नाम मतलब सज्जन पुरुष, साधु नाम मतलब सज्जन पुरुष है ना, और दुष्कृता मतलब दुष्ट पुरुष है ना, साधु नाम मतलब सज्जन पुरुष और दुष्कृता मतलब दुष्ट पुरुष। तो दुष्ट पुरुष का क्या करेंगे, विनाश करेंगे, और साधु यानी सज्जन पुरुष का क्या करेंगे हम, परित्राणाय मतलब उद्धार करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, किनकी, सज्जन पुरुष की जो अच्छे हैं। साधु नाम मतलब सज्जन पुरुष जो अच्छे हैं, और दुष्कृता मतलब जो दुष्ट हैं। तो अच्छे व्यक्तियों का क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए है ना, उनका उद्धार करना चाहिए, और जो दुष्ट व्यक्ति है उनका क्या करना चाहिए, विनाश करना चाहिए। बहुत बढ़िया है ना। तो युगे युगे मतलब हर युग में, युगे युगे भी दिया है ना, तो आप उससे समझिए युगे युगे मतलब हर युग में क्या करेंगे, धर्म की संस्थापना के लिए मैं हमेशा प्रकट होऊंगा। कब, साधु पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए, रक्षा के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं हर युग में क्या होऊंगा, प्रकट होऊंगा है ना, प्रकट होऊंगा। समझ में आया आपको अच्छे से, यस मैडम। नहीं आम बोलेंगे, आम, आम का मतलब होता है हाँ, संस्कृत की क्लास है ना, संस्कृत की कक्षा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, आम। आपके, आपको समझ में आया, गुड गुड, नहीं बढ़िया बढ़िया, मैं भी गलती करी थी, गुड, अच्छा अच्छा है ना। तो आप क्या बोलेंगे, आम, क्या बोलेंगे, आम, अति उत्तम, अति उत्तम है ना। आप देखिए सातवा, श्रद्धा वाल भते ज्ञानम तत्पर संयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचिरेण धा शांति चिरेणाधिगच्छति है ना। श्रद्धा वालभते ज्ञानम, श्रद्धा वालभते ज्ञानम, श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उनको क्या 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 प्राप्त होता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जो इंद्रिय व्यक्ति वाले व्यक्ति हैं, जो इसका अनुप्रयोग करते हैं, गलत उसमें करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है, इंद्रियों पे जिनका संयम नहीं है उनको क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, जल्दी बताइए, परम शांत। हाँ है ना। तो श्रद्धावान व्यक्तियों को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और जिनका इंद्रियों में अपने संयम नहीं है उनको क्या प्राप्त होता है, जोर से बोलिए, परम। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करके, ठीक है, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, कौन व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति है ना। श्रद्धावान व्यक्ति लभते मतलब प्राप्त करना, श्रद्धावान मतलब श्रद्धावान व्यक्ति, लभते मतलब प्राप्त करना, ज्ञानम मतलब, ज्ञानम मतलब, किसी के बारे में जानना ना, वो ज्ञानम हुआ है ना। तो उनको जब लाभ ज्ञान प्राप्त हो गया, श्रद्धावान व्यक्तियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लभते मतलब प्राप्त कर लिया, जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तो बिना बिना विलंब के तत्काल ही वो क्या करते हैं, हाँ थोड़ा म्यूट करो बच्चे लोग, थोड़ा सा आप अपना म्यूट करिए, जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी तब आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए, है ना। बज रहा है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट करिए थोड़ा सा, ओके, बहुत अच्छा, अति उत्तम। तो श्रद्धा वालंबते ज्ञानम तत्पर संयंतेन्द्रिय, जो व्यक्ति, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, लेकिन जब ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उसका उपयोग कहाँ किया, उसका उपयोग उन्होंने किया भगवत परम,
हाँ, परंत परमगत प्राप्ति की इच्छा के लिए, जिससे उन्हें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, परम परम शांति, पराम शांति। वे बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, अच्छा लगा मुझे आप आंसर दे रहे हैं। तो ये वाला श्लोक भी आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। कुछ आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा, कोई संदेह होगा ना, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा म्यूट करिए बच्चों आप, है ना, म्यूट कर लीजिए। अब देखिए अष्टमा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यति। ध्यान देंगे आप लोग, है ना। यो माम पश्यति सर्वत्र, माम मतलब मुझे, माम मतलब मुझे। देखिए यहाँ पे कई चीजें आ रहे हैं ना, माम मतलब मुझे, और नीचे जो मे दे गया, मे दिया गया, उसमें क्या आएगा, मुझ में, मुझे और मुझ में। ध्यान देंगे आप, माम का अर्थ होता है मुझे, लेकिन मे का अर्थ होता है मुझ में, है ना। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, पश्यति मतलब देखना, पश्यति मतलब देखना, है ना। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। तो जो मुझ में, जो मुझको या मुझे सभी जगह देखता है, और मैं जिनको सभी, और जो मुझ में मुझको सभी जगह देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामी, तस्याहम न प्रणश्यामी। प्रणश्यामी मतलब, प्रणश्यामी मतलब बताइए, अदृश्य, है ना। उनको मैं कभी क्या करता हूं, अपनी आंखों से, अपने सामने से अदृश्य नहीं होने देता हूं। अदृश्य मतलब, अदृश्य मतलब उनको कभी मैं अपने आप से हटाता नहीं हूं, जाने नहीं देता हूं। तस्याहम न प्रणश्यामी मतलब वो मेरी आंखों के सामने, मेरे मन में हमेशा रहते हैं। तो जो मुझको सभी जगह दिखाई देते हैं, और जिनको मैं सभी जगह दिखाई देता हूं, उनको मैं कभी अपनी आंखों से न प्रणश्यामी, अदृश्य नहीं करता हूं, और वो भी मुझे कभी अदृश्य नहीं होने देते, ठीक है ना। मुझे और मुझ में, मुझ में अदृश्य, मुझको अदृश्य नहीं होने देते। समझ में आया, समझ में आया। ये कौन बोल रहे हैं, ये बातें कौन बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण जी। कौन बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी, है ना। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, देखो कृष्ण जी सारथी बने हैं, है ना, और अर्जुन जी बैठे हैं। अर्जुन जी का नाम, हम अर्जुन जी जो है उनका नाम हमने ऊपर क्या बोला था, भारत, हित भारत, हे अर्जुन, है ना, हे अर्जुन हे भारत, ठीक है। अब देखिए अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक है ना, अंतिम श्लोक क्या है, कोई पढ़ेंगे बच्चे, पढ़िए थोड़ा लय से, कोई बच्चे पढ़ेंगे। आम, हाँ हाँ चलिए, प्रथमा द्वितीया आरंभ। पढ़िए। थोड़ा सा लय से, और थोड़ा सा कोशिश हम और करेंगे लय से, कैसे करेंगे, कोई पढ़ेगा बच्चे, कोई पढ़ेगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धारा तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतीर्माम्। हाँ, तो यत्र योगेश्वरः, यत्र मतलब जहां, यत्र मतलब क्या होता है, यत्र मतलब क्या होता है, जहां, है ना। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, कृष्ण जी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, योगेश्वर, क्योंकि बहुत बड़े योगी थे कृष्ण जी हमारे जो थे, बहुत बड़े योग पुरुष भी थे, है ना। तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां पे योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, और जहां पे यत्र पार्थो धनुर्धरा, किसके बारे में बोला जा रहा है, पार्थ, पार्थ किसको बोलते थे कृष्ण जी, आपने महाभारत देखी है,
इसमें किसको बोलते थे? हाँ, अर्जुन को। तो जहाँ पे बहुत गांडीव धारी धनुर्धर पार्थ है, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण जी है, और जहाँ पे धनुर्धारी कौन है? अर्जुन है। तत्र देखिए, यत्र मतलब क्या था? जहाँ। तत्र मतलब, तत्र मतलब वहां, यत्र मतलब जहाँ, और तत्र मतलब वहां। तो जहाँ, तो जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, जहाँ श्री धनुधर अर्जुन जी हैं, वहां वहां क्या क्या रहेंगे? वहां हमेशा क्या उपस्थित रहेंगे बताइए? श्री, श्री मतलब सफलता, लक्ष्मी। श्री मतलब सफलता, लक्ष्मी, है ना? श्री मतलब सफलता, लक्ष्मी। विजयो मतलब जीत, विजयो मतलब जीत, है ना? चार चार प्रकार की यहाँ पे रहेंगी हमारी चीजें। देखिए क्या क्या चीजें रहेंगी। श्री मतलब सफलता, विजयो मतलब जीत, भूति विभूति, है ना? और नीति, अचल नीति, निश्चित नीति। वह मतलब निश्चित, रू मतलब निश्चित, अचल निश्चित, निश्चित नीति वहां क्या रहती है? उपस्थित रहती है वहां पे, ये चीजें रहती हैं, ठीक है? ये तुम इसके योग्य हो, वहां पे ये चीजें रहेंगी ही। क्या क्या चीजें बताइए, बताइए कोई बच्चे? तत्र वहां, श्री मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी सफलता, हाँ, विजयो मतलब, हाँ जी, विभूति विभूति, ठीक है? और अचल नीति, नीति मतलब, नीति मतलब, नीति मतलब अच्छी बातें, नीति पूर्वक हम बोलते हैं ना, नीति पूर्वक बातें कही गई, या फिर अनीति पूर्वक बातें कही गई, मतलब सही नहीं कही गई, लेकिन जो नीति है मतलब वो सही है ना? तो चार चीजें वहां पे तुमको प्राप्त होंगी। कहाँ, क्यों, कैसे प्राप्त होंगी? जहां पे यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पे कौन रहेगा, कौन रहेगा जहां पे? योगेश्वर कृष्ण मतलब, हाँ, और कौन? अर्जुन। इनको अपन अर्जुन, है ना? हाँ, अर्जुन कौन थे? अर्जुन, अर्जुन कौन थे? धनुर्धर, धनुष विद्या में पारंगत थे, तो उनको क्या कहा जाता था? उनको क्या कहा जाता था? धनुर्धर, धनुर्धर, ठीक है? चलिए, आप शुरुआत से, हम थोड़े थोड़े से आपसे शब्दार्थ पूछ लेते हैं ताकि आपको अनुवाद अच्छे से बने शुरुआत से, है ना? चलिए, पहला मैं पूछूंगी, आप बताते जाएंगे। वासांसी, वासांसी का शब्दार्थ? वस्त्र। जीर्णानी, जीर्णानी, पुराने, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ। यथा, यथा, हाँ, जिस प्रकार। विहाय, त्यागना, छोड़ना। नर, नर पुरुष, मनुष्य, है ना? देही, आत्मा, आत्मा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा, छिदंती, 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 छेदना। शस्त्राणी, शस्त्राणी, शस्त्र, है ना? अस्त्र शस्त्र बोलते हैं ना, वही शस्त्र। पावका, आग। मारुता, 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 हवा, है ना? ठीक है, और अब तीसरा देखते हैं। जातस्य, जन्म, जन्म लिया हुआ मनुष्य, है ना? मृतस्य, मृत्यु, मृत्यु। च, और ही, 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 ही का बताया था मैंने, ही, क्योंकि, क्योंकि। ध्रुवो, ध्रुवो, निश्चित, निश्चित ही, है ना? सोचितु, सोचितु, न त्वम, तो पता है आपको, न त्वम यानी तुम्हारा, सोचितु मतलब अब चौथा देखिए, ते मतलब कर्मण्ये वाधिकारस्ते, ते मतलब तुम्हारा, तुम्हारा। मा मतलब,
हाँ कदाचन, कभी भी, कभी नहीं कभी भी, है ना, कभी भी, ठीक है। कभी भी क्या करना चाहिए हमको, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, यदा यदा, यदा यदा जब जब, जब, है ना। भारत किसको कहा गया है, अर्जुन, अर्जुन को। ग्लानिर, हानि, हानि, हाँ ग्लानि हानि। सृजाम्य हम, सृजाम्य हम, अच्छे से बोलिए, मैं जन्म लेता हूँ, सृजन मतलब उसका आकार लेता हूँ, ठीक है। परित्राणाय, परित्राणाय उधार, हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम क्वेश्चन आंसर कर लें थोड़ा सा, करें थोड़ा सा, बताइए। और आप साधु नाम मतलब, जल्दी जल्दी बताइए, साधु नाम, सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष, दुष्कृत नाम, दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट पुरुष, योगे योगे हर युग में, है ना, हर युग में, ठीक है। लभते, लभते ज्ञान प्राप्त, लभते मतलब प्राप्त करना, क्या ज्ञान, है ना। और ठीक है, चलिए बन जाएगा आपसे, सब बन जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्न उत्तर के लिए तैयार हो आप? आम, आम, बहुत बढ़िया, आम, हाँ। चलिए पहला है अभ्यास प्रश्न, आप किताबें निकालिए, किताबें निकालिए, ठीक है। प्रश्न पहला है, संस्कृत में उत्तर लिखिए। कृदिशम शरीरम विहाय देही नव शरीरम धारयति, शुरू वाला आप श्लोक डाल देंगे इसमें, आंसर में शुरू वाला श्लोक पूरा डाल देंगे, ठीक है। पूरा श्लोक डालने के बाद शरीरम विहाय देही नव शरीरम धारयति, शस्त्राणि कम न छिदन्ति, शस्त्राणि आत्मा न छिदन्ति, हाँ पावका कम न दहति, पावक को अग्नि को कौन नहीं जला सकता, आत्मनाम पावक, आत्मनाम, बहुत सही। ईश्वर किमर्थ संभवति, अभी मैंने आपको बताया था ईश्वर किमर्थ संभवति, किस लिए आप वो करते हैं, हाँ ज्ञान कम लभते, ज्ञानम क लभते, श्रद्धावान, श्रद्धावान। इस रिक्त स्थान की आप पूर्ति कर लेना श्लोक के द्वारा, है ना। प्रश्न दूसरा, ठीक है। प्रश्न तीसरा है आपका गीतामृतम पाठ के चौथे एवं पांचवें श्लोक को आपको याद करना है, संस्कृत में अनुवाद करिए। आत्मा मरती नहीं है, जल्दी, आत्मा न प्रियते, ठीक है। पावका आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पावका, हाँ तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, कर्मणे वाधिकारस्ते, फल की इच्छा मत करो, फले इच्छा मत करो, हाँ माम कुरु, माम कुरु, कुरु मतलब करना। यह योगेश्वर कृष्ण है, ऐसा योगेश्वर कृष्ण अस्ति, ऐसा यहाँ पे क्या आएगा, यह तो क्या आएगा, ऐसा। चलिए अब हम इसमें संधि विग्रह में नीचे के दो देख लेते हैं। श्री विजयो, थोड़ा सा आपके लिए सरल है, जल्दी बताइए, श्री विजयो, श्री धन विजयो, क्या जाएगा यहाँ पे, श्री धन विजयो। नीति मतिर मम, क्या जाएगा बताइए, नीति धन मति धन अहम, ठीक है। चलिए अब आपके लिए मेरे पास गृह कार्य है, क्या गृह कार्य है, इस पाठ में आए हुए दो श्लोकों का अर्थ लिखिए, आप कर लेंगे, आपको वैसे भी याद है, यस मैडम, क्या बोलेंगे आप, जोर से बोलिए, सबको एक साथ बोलिए, हाँ क्या कर लेंगे इस गृह कार्य को, गृह कार्य को कर लेंगे, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम फिर मिलेंगे, पुनर्गमन, फिर मिलानम, तो क्या मैं बोलूंगी आपको, धन्यवाद सभी बच्चों को, फिर से मेरा नमस्कार, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं बोलती हूँ आपको सर्वभ्यो नमो नमः। चलिए।